हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सीमेंट सेक्टर की एक बहुत ही दमदार कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि उसका डेब्ट जो है सिर्फ 0.8 का है और ईपीएस है 40 का। सीमेंट सेक्टर में 40 का ईपीएस वाली कंपनियाँ बहुत कम मिलती हैं हम लोगों को, और कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और 4,700 करोड़, अभी 5,300 करोड़, ऐसा कंटिन्यू उसका सेल बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट भी अच्छी ग्रोथ है, और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें पब्लिक के पास सिर्फ 15% का स्टेक है, बाकी प्रमोटर्स, DII, FII, ये सब इन लोगों के पास ही है। और जब DII FII इतना इतना ज़्यादा उसमें स्टेक रखते हैं, दोनों मिला के करीब करीब 37% का FII DII का है, प्रमोटर होल्डिंग भी 47% की है, तो इतना जब स्टेक इसमें लगाते हैं DII FII, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छे होने के बाद ही इतना पैसा लगाते हैं। तो ये भी एक हमारे पास एक उस बात का सबूत है कि कंपनी बहुत शानदार है। और आज इसने क्लोजिंग दिया 642 रुपीज़ का, इसका ऑल टाइम हाई था 816 रुपये का, 816 का। तो अभी भी ये 25-30% का ऊपर अपवर्ड मूव दिखाने का इसमें दमखम है। आज भी इसने 2.5% का अपवर्ड मूव दिखाया था। एक्चुअली मैं वीडियो कल ही बनाने वाला था, पर कुछ समय नहीं मिल पाया और नहीं बना पाया मैं, तो मैंने एक्चुअली आज इसमें मैंने पोजीशन बनाई थी मॉर्निंग में ही, और आज ये शेयर काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है, पर अभी भी देर नहीं हुई है। 642 का लेवल अभी भी आपको मिल रहा है, तो ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। यहाँ से 750-800 का लेवल दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी होल्ड करने जैसी है। जैसे पोर्टफोलियो में हम लोग स्ट्रॉन्ग शेयर रखते हैं, तो सीमेंट सेक्टर का बहुत ही अच्छा शेयर है, क्योंकि आज ये हमें 14 के PE पे मिल रही है, मतलब काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रही है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट को आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है फॉर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो एंड फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। थैंक यू।